हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है स्टफ्ड इडली। ये एक साउथ इंडियन डिश है। हम सबको पता है इडली सिर्फ इडली मेकर में ही बना जाता है, पर हम आपको प्रेशर कुकर और विदाउट प्रेशर कुकर, विदाउट इडली मेकर हम आपको बना के दिखाएंगे। और ये स्टफ्ड इडली बनाने के लिए बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में आप बना सकते हो, बहुत ही जल्दी बना सकते हो, और ये बेबी को और एडल्ट्स को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने ले लिया है इडली बैटर, जो जिसका रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और मुझे स्टफिंग के लिए मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू, थोड़ा सा मटर, 2 प्याज बारीक से मैंने काट लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने घिस लिया है, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर और धनिया पत्ता। और मसाले में मैंने ले लिया है थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा रेड चिली। मैं इसको 2 हिस्से में काट के इसका सीड्स मैंने निकाल लिया है, और आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं पहले तवा गरम कर लिए हैं, उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को गरम होने देते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ राई, जीरा, थोड़ा सा क्लैटर्ड होने देते हैं मसाले को। मसाले को जितना हो सके आप कम फ्लेम पे पकाए क्योंकि मसाला जल ना जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता, मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा चॉप्ड ऑनियन और प्याज, अब रेड चिली को अभी डाल सकते हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम लोग भून लेंगे, प्याज सॉफ्ट होने तक। 2 मिनट हो गया है, मैं देख लेती हूँ प्याज, आप लोग देख सकते हो प्याज कलर चेंज हो रहा है। तो मैं इसमें अभी डाल दूंगी घिसा हुआ अदरक और मटर। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट, जो भी मसाला है आप अभी ऐड कर सकते हो, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। आप इसमें चाहे तो रेड चिली भी ऐड कर सकते हो। रेड चिली बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही, कोई भी चिली मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जब छौंका लगाया है तब मैंने थोड़ा सा, वो भी मैं डिसीटेट कर लिए हैं और लाल मिर्च को, चाहे तो इसमें थोड़ा सा चिलीज ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो, आपके टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च ऐड करें। देखिए मेरा मसाला भून चुकी है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी उबला हुआ आलू। मैं पहले से इसको ग्रेट कर लिए हैं, आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैश करने से उसका बड़ा टुकड़ा रह जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड करने के लिए घिस लिया है, मतलब ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। मेरा मसाला आलू के साथ अच्छे से मिल गया है, तो
तो मैं इसको फिर 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दूंगी थोड़ा स्टीम होने के लिए। 2 मिनट हो चुका है, मैं फिर से ओपन करके देखूंगी। देखिए मेरा मसाला, मेरा स्टफिंग जो है एकदम तैयार हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको मैं प्याले में निकाल लिए हैं और मैं इसमें अभी कोरिएंडर लीफ डाल दूंगी। फ्रेश कोरिएंडर लीफ डाल के थोड़ा सा ऐड कर लूंगी। अगर आप कढ़ाई पे चढ़ा देंगे तो कोरिएंडर लीफ ऐड करेंगे तो उसका स्मेल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये स्मेल रखने के लिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। फिर जब स्टीम देंगे, इडली में स्टफिंग करेंगे फिर स्टीम पड़ेगा, तब कोरिएंडर अपने आप पक जाएगा। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा काटलेट के शेप में, ऐसे काटलेट के शेप पे बना लेंगे थोड़ा सा हल्का हथेली से। मेरा इतना 2 आलू में इतना सा ही स्टफिंग हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं इडली बनाने के प्रोसेस में। मैंने प्रेशर कुकर में इडली बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास इडली मेकर नहीं है, तो मैं प्रेशर कुकर में इडली बनाऊंगी। इसके लिए मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को गर्म होने देते हैं। ऐसा कोई भी स्टैंड आपके पास होगा तो आप इसके अंदर दे दीजिए। इन बिटवीन मैं इडली का प्रोसेस चालू कर देती हूँ। इडली मैं स्टैंड पे सजा लेती हूँ। पहले हमको इडली स्टैंड में डालने से पहले इडली स्टैंड को पहले ग्रीस करना पड़ता है। थोड़ा सा ऑयल से आप इसको ग्रीस कीजिए। जस्ट 2 to 3 drops ऑयल लगेगा और ज़्यादा नहीं। इसको ऐसे स्प्रेड कर लीजिए। ऐसे इससे क्या होगा, आपका इडली जब बन जाएगा आपको उठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इस बैटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से बाद आप ज़्यादा इसको मत चलाइए क्योंकि इसके अंदर जो भी एयर होता है वो निकल जाता है ज़्यादा चलाने से। थोड़ा सा हल्का सा ही घुमा, जस्ट सॉल्ट को मिक्स करना है, बस ज़्यादा नहीं करना है। बैटर को इडली मोल्ड पे थोड़ा सा ही डालें। 60-70% डालें और इसके ऊपर आप ये जो टिक्की बना के रखे हैं वो डाल दें। जस्ट ऊपर से कवर कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इडली जब फूलेगा तब और बड़ा दिखेगा। तो इडली स्टैंड पे जब डाल रहे हो आप थोड़ा सा ही डालें। मेरा स्टैंड थोड़ा सा छोटा है तो इसीलिए ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ। आपका जैसे जैसा स्टैंड रहेगा उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, पर 60-70% ही भरे पहले, ज़्यादा नहीं। ऐसे ढक दे स्टफ को। ऐसे ही आप नॉर्मल इडली बना सकते हो विदाउट स्टफिंग। मेरा इडली स्टैंड रेडी हो चुका है। मैं देख लूंगी मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं। पानी में अच्छा सा भाप आने आ रहा है तो मैं इसको इसमें बिठा देती हूँ। याद रखिए कि नीचे का मोल्ड मैंने खाली रखी इसीलिए क्योंकि जो बैटर है उसको पानी को टच नहीं करना चाहिए। और ऐसे मैं सीटी ओपन रखी है, सीटी विसल ओपन करके फिर आप इसको स्टीम पे रखिए। 10 से 12 मिनट तक हम लोग इसको पकाएंगे और फिर देखेंगे
इसके बीच में मैं और एक बात बोलूंगी दोस्तों, अगर किसी के पास इडली में इडली मोल्ड्स नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं बना सकते हैं, वो लोग भी बना सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई भी छोटा कटोरा आपके पास अगर होगा तो उस कटोरे को सेम प्रोसेस से आप इसको ग्रीस कर लीजिए और उसमें बैटर डाल दीजिए, फिर उसको भी ढक दीजिए। ऐसे करके आप बना सकते हो, कोई भी स्टैंड अंदर रख के और उसके ऊपर ऐसे कटोरी में आप अगर बैटर डाल के आप इडली इजीली बना सकते हो, विदाउट मोल्ड भी इडली बन सकता है। आप अगर चाहे तो इस सब्जी अपने हिसाब से डाल सकते हो, इसमें कैरेट ग्रेट करके डाल सकते हो या कुछ भी, मतलब छोटा कैप्सिकम को एकदम चॉप्ड फाइनली चॉप्ड करके आप इसमें डाल सकते हो। ऐसे करके आप इसके अंदर रख देंगे 10 या 15 मिनट के लिए, तो आपका इडली बन जाएगा। तो फिर 10 या 12 मिनट के लिए मैं इसको दे दिए हैं, देखते हैं। तो मेरा 12 मिनट हो चुका है, तो मैं ये ओपन करके देखती हूँ इडली पका है कि नहीं। ये आपको जानने के लिए एक नाइफ या टूथपिक आप अंदर कर दिए, कुछ अगर नहीं निकला तो आप जानेंगे कि एकदम साफ निकला तो आपको पता चलेगा कि इडली पक चुका है। तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, ठंडा होने के बाद इडली निकाल लूँगी। उस टाइम के बीच में मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, अगर किसी के पास प्रेशर कुकर अवेलेबल ना हो तो भी वो इडली बना सकते हैं। ऐसा कोई भी पैन में ऐसे पहले से थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और ऐसा एक लीड चाहिए दोस्तों जिसमें स्टीम निकलता है, वैसा एक लीड ले लीजिए और इसमें एक स्टैंड बिठा के, जैसे कि मैंने बताया है विदाउट मोल्ड भी हम लोग इडली बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कटोरी जो है मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर जैसे भी कैसा इडली बनता है मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। मेरा पानी गर्म हो चुका है दोस्तों, तो मैं इसमें एक स्टैंड ऐसे डालूंगी और ये जो कटोरी है मैं इसमें रख देती हूँ। आपको अगर लगे कि 10-12 मिनट में ये पानी ख़त्म हो रहा है, सूख जा रहा है, तो आप साइड से थोड़ा सा पानी फिर से ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ढक दूंगी और 10-12 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। इन बिटवीन मैं ये इडली निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसा इडली बना है। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा इडली बना है और बहुत फ्लफी भी बना है। मेरा मोल्ड थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, इसीलिए इडली जो है थोड़ा फेल गया है। आपका 12 मिनट हो चुका है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विदाउट मोल्ड विदाउट कुकर कैसे इडली बनता है। ये थोड़ा गर्म है, मैं इसको उठा लेती हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों ये मेरा बोल पे बनाया हुआ, कटोरी पे बनाया हुआ इडली है, ये और भी अच्छे से बना है। तो मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों ये मेरा मोल्ड पे बनाया हुआ और ये मेरा कटोरी पे बनाया हुआ इडली है, ये मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए जैसे कि बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना है लग रहा है, और आपको ये दिख ही रहा है इडली मेकर पे इडली स्टैंड पे बनाया हुआ जो इडली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कैसा लगा है। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए वीडियो को पाने के लिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।